स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। ये जो बजाज कंपनी का प्लैटिना बाइक है, इसमें एक्चुअली हो रहा है हेडलाइट बॉल नहीं चल रहा है। अब हम आपको बताएँगे हेडलाइट बॉल किस तरह से हम लोग जलाएँ, हेडलाइट बॉल को हम लोग किस तरह से चेकअप करें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो मैग्नेट का कपलर है, ये मैग्नेट आर्मेचर कॉयल से यही हम लोगों का वोल्ट आता है, जैसे कि हेडलाइट जलाने के लिए और बैटरी चार्ज करने के लिए और बाइक स्टार्ट करने के लिए। अब ये जो ग्रीन कलर में व्हाइट कलर है, ये बाइक बैटरी चार्ज करने के लिए है, और ये जो पीला कलर का वायर है, ये हेडलाइट जलाने के लिए है। मैंने चेकअप कर लिया है, ये सब लाइट ठीक है, मेरा ये कॉयल ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है मैं आपको बताऊँगा। ये जो बैटरी चार्ज देता है और हेडलाइट जलाता है और बाइक को स्टार्ट करता है, ये मैग्नेट से ही। तो ये जो रेड कलर का वायर है, ये स्टार्टिंग के लिए है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, CDI किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। फिलहाल अब हम आपको बताएँगे बाइक का फ्लेमिंग जो है, मुझे ठीक लग रहा है लेकिन बॉल क्यों नहीं जल रहा है। फ्लेमिंग कटा हुआ नहीं लग रहा है लेकिन बॉल क्यों नहीं जल रहा है। तो अब हम चेकअप करेंगे कि इसमें लाइन इनपुट ठीक है या गलत है। तो चलो इग्निशन को ऑन करते हैं और आप लोगों को स्टार्ट, जैसे कि हेडलाइट, अब हेडलाइट को ऑन किया और जैसे कि ये स्विच को भी मैंने देखा और बॉल नहीं जल रहा है। अब हम लोग चेकअप किस तरह से करें, इसमें वोल्ट आ रही कि नहीं। अब हम चेकअप करेंगे जो हम लोगों का मेन वोल्ट जो होता है, ये हैंडल बार का स्विच का जो पीला वालर का तार है, ये हम लोगों का इनपुट है, जैसे कि रेगुलेटर चार्जर से आता है। तो यहाँ सच में वोल्ट आ रहा है कि नहीं, हम वही चेकअप करेंगे। तो जैसे कि इस वायर को लगाया और इसको टच कर रहा है तो वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम चेकअप करेंगे इसको डायरेक्ट जला के बगैर स्विच के। तो एक पॉइंट हम लोगों का आर्थिंग होता है और एक यहाँ लगाने से बॉल जल जाएगा, बट नहीं जल रहा है। देखो एक पॉइंट, दो पॉइंट, नहीं जल रहा है। तो फ्लेमिंग देख के हम लोगों को पता नहीं चल रहा है जो ये बॉल कट गया है या अच्छा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो हेडलाइट का बॉल है, कोई भी मैकेनिक अगर देखे तो इसमें धोखा खा जाएगा, क्योंकि इसका फ्लेमिंग जो है एकदम बिल्कुल सही तरह से है। क्योंकि इसका जो वोल्ट हम लगाते हैं और एक वायर को बॉडी करें, अगर बॉल ठीक रहे तो ऑटोमेटिक बॉल जल जाना चाहिए, लेकिन नहीं जल रहा है। जो इसका फ्लेमिंग ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें तीन पोल जो होता है, एक पोल में ग्राउंड जाता है और दो पोल में वोल्ट जाता है हेडलाइट बॉल पर। तो इसका जो ग्राउंड है एक पोल, एक ख़राब हो चुकी है और उसका कारण बॉल नहीं जल रहा है, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जो हेडलाइट बॉल मेरा ठीक है। अब चलो दूसरा बॉल लाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये जो मेरा बॉल है, अब हम आपको लगाएंगे और दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ से लगा दिया, अब एक वायर को हम लगाते हैं और यहाँ देखें हमारा फ्लेमिंग जल रहा है और ये भी फ्लेमिंग जल रहा है, देखो जल रहा है। तो ये बॉल अब ये जल जाएगा, देखो दोनों पॉइंट दिखाइए, बस जल रहा है, पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, ये जो बॉल है हेडलाइट की, हम लोग को कोई कोई बाइक में फ्लेमिंग करती नहीं है, ग्राउंड कर जाती है और बॉल हम लोग को समझ में नहीं आता है बॉल ख़राब है या सही है। तो आप लोग इसके लिए आप लोग चेकअप कीजिए मल्टीमीटर। मेरे पास फ़िलहाल अभी मल्टीमीटर नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मेरे शॉप पर नहीं है, मेरे घर पर है। तो बगैर मल्टीमीटर के किस तरह से चेकअप करें और बॉल को रनिंग करें, तो मैंने आपको दिखाया इस तरह से। अब कुछ सिस्टम और भी दिखाऊंगा, जो हेडलाइट बॉल अगर ना जले तो हम लोग क्या चेक करें। तो क्योंकि जो हम लोगों का इस तरह से लगाने, ये जो मेन बोल्ट होता है और हम लगाए बॉडी करें तो ये जल जाएगा। तो ये हेडलाइट का जो स्विच होता है, इसमें तीन वायर होता है, एक इनपुट होता है और दो आउटपुट। जो इनपुट होता है पीला कलर का, हेडलाइट स्विच में आते हैं, तो हम लोग जो पहला पोल दबाते हैं
तो उसमें एक पार्किंग लाइट जलते हैं, ठीक है। पार्किंग लाइट में बोल रहा था ये जो पार्किंग लाइट का सॉकेट है, कपलर है, इसमें पार्किंग लाइट जलता है। और जब तीसरी नंबर पे हम लोग जब दबाते हैं स्विच, तो इस वायर पे बोल रहा है वो चल जाता है डिपार स्विच पर। डिपार स्विच क्या करता है, अपर डिपार जब करते हैं तो हेडलाइट का जो दो पॉइंट होता है हाई लो, उसी से हाई लो काम करता है और हेडलाइट चलता है मेरे मैकेनिक भाइयों, ठीक है। क्योंकि यही सिस्टम होता है हेडलाइट का। और ये रेगुलेटर चार्जर से इनपुट आता है और आर्मेचर से जाता है रेगुलेटर चार्जर पर, जाने के बाद ही ये हेडलाइट वर्क करता है। तो हम लोग अगर ना जले तो इसी तरह से चेकअप करते हैं। तो ये जो हेडलाइट बॉल का पॉइंट होती है, कोई बाइक में हम लोग को परेशान में डाल देता है और हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, तो हम लोग मल्टीमीटर के यूज कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास मल्टीमीटर ना हो वो किस तरह से यूज करे, तो ये वीडियो हम उन्हीं लोगों के लिए बनाया हूँ। हेडलाइट बॉल अगर हम लोग को फिल्म दिखाई दे रहा है अगर सही है, तो हम लोगों का जो ग्राउंड होता है तीन पोल जो होता है ना, इसमें एक प्रॉब्लम होता है। तो मैकेनिक भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ।